हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मैं बना रही हूँ सब्जी खाने में, और रोटी, मतलब ये नाश्ते का टाइम है। नाश्ते के टाइम से मैं नहा के कुछ की नहीं हूँ, बस भगवान के सामने अगरबत्ती जला के आ गई हूँ सीधे किचन में, क्योंकि नाश्ता मैंने सोचा कि पहले बना लूँ। आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं, आज बीपी फिर से बहुत ज़्यादा लो चला गया है, तो मैंने डाल दिया है जीरा और हरी मिर्च, साथ में मैंने डाल दिए हैं प्याज, और सिंपल सी सब्जी जो है वो बना लूँगी। और यहाँ पे ये गेहूँ उठा के ले आ रही हूँ ताकि इसको फटक दूँ, और ये जो है वो पीसने को गेहूँ जो है वो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए कचड़ा जो है वो साफ़ कर रहे थे। क्या हुआ कि बारिश का मौसम आ रहा है और ये देख रहे होंगे काले काले बादल घिरे हैं, हवा एकदम तेज़ है, तो ये जो है वो मुझे कुछ समझा रहे थे। मैं इनसे कुछ बात कर रही थी तो वही रम्या के हाथ में फ़ोन था, तो रम्या ने फ़ोन को जो है उधर थोड़े टाइम के लिए इधर घुमा दिया था कि रिकॉर्ड कर लिया उसने। और ये देखिए मैं क्या सोच रही हूँ कैसे कुछ, क्योंकि मैं आज अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। और आप सबके एक सवाल बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे, और जो मैंने अभी टाइटल में भी डाला होगा उस सवाल को, तो इस सवाल का जवाब देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नए व्यूवर्स जुड़ते हैं तो नए सवाल आते हैं, लेकिन नए सवाल में और कटाक्ष करने में कुछ अंतर होता है। लेकिन फिर भी जब हम सोशल मीडिया पे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का हमें जवाब देना पड़ता है। और यहाँ पे ये जो गेहूँ है इसमें कुछ है नहीं खास, लेकिन जब भी हम गेहूँ धोते हैं तो एक बार उसको फटक के देंगे तो उसकी रोटियां बहुत अच्छी सी बनती है, काली काली नहीं होती। सरसों जैसे है, सरसों बोया गया था गेहूं में, तो एक दो उसी में से निकल के गेहूं में आ जाता है। तो बस मैं उसको यहाँ पे साफ़ कर लूँगी। और मेरे को किसी ने पूछा कि क्या आपको गेहूं राशन में मिलता है? जी बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी सोचिएगा भी मत। हमारे खेतों में गेहूं होता है, मैंने दिखाया हेलो, भी है। कैसे हो आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। बहुत ज़्यादा धूल धूल हो गया, ये देखिए आंखों के पलकों पे धूल जम गया है, तो इसलिए मैं अपना चेहरा साफ कर रही थी। और गेहूं मैंने साफ किया, नाश्ता भी बना लिया, और थोड़ी देर में यहाँ गेहूं में लग गई, तो आपने देखा कि वो क्या कर रहे हैं। रम्या भी बैठी है, और 1 मिनट, एक कॉल आ रही है। किसकी कॉल है? और एक कॉल आ गई थी तो मैं बात करने लगी। और आज का मौसम इतना ज़्यादा सुहाना है या ख़राब है, मेरा मेरा बीपी बहुत ज़्यादा आज लो है, फिर से बहुत ज़्यादा मेरा बीपी लो है। इसलिए मेरी आंखें, जब मेरी बीपी लो होती है तो मेरी आंखों में ये देखिए सूजन आ जाती है, और मैं अच्छा महसूस नहीं करती, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी तो चलती रहती है, ऐसे ईपी बीपी तो लो होती रहेंगी। और आज मुझे लिस्ट बनानी है घर की चीज़ें ले आने के लिए। यूट्यूब की अभी पेमेंट मेरी नहीं आई है, आप में से किस किस किसी आ गई है तो वो आ जाए तो मैं घर की लिस्ट बना दूं कि क्या क्या ले आना है। बहुत सारी चीज़ें जैसे दालें ख़त्म हुई है, तेल ख़त्म हुआ, बहुत सारी चीज़ें, बस उसी का वेट कर रही थी। कई बार बैंक वालों को मिस कॉल मारा कि कितना बैलेंस है, क्योंकि मुझे चेक करने ऐसे नहीं आता है, मिस कॉल कर देने पे आ जाता है। तो ये बहुत सारी सुविधाएं हैं जो थोड़ा बहुत कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए। आप बैंक में कॉल करके या मिस कॉल करके बहुत सारे बैंक सुविधा देते हैं, अपना बैलेंस पता कर सकती हैं। तो बस बातों बातों में ये बात कर लिया। और अरम्या को लगी है भूख तो बोल रही है मम्मी मैं जो हूँ वो खुद से बना लूँगी मैगी। अब ऐसा हो नहीं सकता कि अरम्या मैगी बना ले। और आज मुझे अच्छा महसूस हो भी नहीं रहा है, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा महसूस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो मैं नाश्ता वास्ता कर लिया, सब कुछ हो गया है घर का काम, तो जा रही हूँ थोड़ा देर आराम करूँगी। फिर आप सबसे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे मुझे बात करनी है, ये सवाल आप सबके भी मन में है और ये कमेंट इतने दिनों से आ रहे हैं, तो मैं सोची कि चलो आज मैं जवाब दे ही देती हूँ। तो बस मैं अभी आप सबसे 2 मिनट नहीं, मतलब मैं सो के उठ के फिर दोपहर का खाना बना के, क्योंकि मेरी तबीयत सच में अच्छी नहीं है, और ये बात बोलती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं हर बार बोलती हूँ। फेस बता देता है इंसान का, अच्छा फील नहीं कर रही तो मन थोड़ा सही नहीं है। तो मैं थोड़ी देर में आप सबसे मिलती हूँ। और देखिए तबीयत ठीक नहीं है, तो आज जो है वो अरम्या मैगी बना रही है। फर्स्ट टाइम है जब अरम्या मैगी बना रही है। और ये देखिए अरम्या मैगी बना के अरम्या मैगी खा भी रही है, बड़ी प्यारी सी मेरी बेटी। ये ये सब है भी जुबिनेंट का न्यूट्रिहेंस, न्यूट्रिशनल फॉर्मूला है जो आपके हेल्थ को एनहेंस करने में हेल्प कर। ये बैलेंस है 50 वाइटल न्यूट्रिएंट्स का।
ये शुगर फ्री है, ट्रांस फैट फ्री है और ग्लूटेन फ्री है। फ्लेवर का है जो आपको हाई प्रोटीन देता है, लो जीआई और हाई फाइबर देता है। आपके हार्ट का ख्याल रखता है, आपके वेट को मैनेज करता है और आपके एनर्जी, आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है और आपको इम्यूनिटी भी देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या है तो आप इसे रीड कर सकती हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। इसके साथ आपको एक स्कूप भी मिलता है। इसे आपको 180 ml पानी में 3 स्कूप्स को मिला के आपको इसे पीना है। आप 3 स्कूप्स डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाते रहें ताकि इसका टेस्ट आपको परफेक्ट आए। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो हो गई है शाम, सो के मैं जो हूँ वो जग गई हूँ। आज जरा मैंने पहली बार खुद से मैगी बनाई, मेरे को 2 चम्मच रखा है, बोला है मम्मी टेस्ट करके बताना। मतलब खुशी सी हो रही है, बेटी बड़ी हो रही है, कितना अजीब सा लगता है। और मुझे ये मतलब मैंने बता रखा है कि मैं अपने सास ससुर के बारे में, हालांकि मैं इस तरह के टाइटल कभी यूज़ नहीं करती, लेकिन इतना ज़्यादा कोई परेशान कर देता है कुछ चीज़ें, इसलिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। कि आपके सास ससुर ने आपको अलग कर दिया, घर से भगा दिया, तुम्हारे लक्षण ही ऐसे हैं, इसीलिए तुम ऐसे झोपड़े में रहती हो और तुम्हारा घर नहीं है, तुम इतना बन ठन के रहती होगी तो उन्होंने लात मार के निकाल दिया होगा। तो उसके नीचे लोगों ने लिखा वो क्या निकालेंगे, यही चुड़ैल की तरह लगती है और यही निकाल के फेंक दी होगी। पहली बात कि ये टॉपिक आखिरी बार शायद मैं इस वीडियो में लेके आ रही हूँ कि वो है नहीं इस दुनिया में, जो है नहीं उनके लिए इस तरह के बातों का प्रयोग ना करें। सन 87 में मेरे ससुर जी की डेथ हो गई थी, जब मेरे पापा की शादी भी नहीं होती। मेरे पापा की शादी 92 की है, सन 1992 की है। मेरे सासू माँ की डेथ तब हुई थी जब मैं महज मतलब 3-3.5 साल की थी। तो इस तरह की बातें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जो है नहीं। और रही बात की झोपड़ा है, तो मेरा घर बहुत अच्छा है, ठीक है, मेरे पास 2 रूम है, हमारे पास ज़्यादा रूम नहीं है। और हमारे ऊपर में बैंक को हमने किराए पे दे रखा है। जो लोग मुझे यहाँ से जानते हैं या फिर जो आसपास के गांव से जानते हैं उनको पता होगा कि मेरे हस्बैंड का नाम ही बहुत बड़ा है। और मैं इन सब चीज़ों को शो नहीं करना चाहती, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने हस्बैंड की पावर को बहुत ज़्यादा शो करते हैं, बट उनका सिर्फ एक नाम ही बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ इस गाँव में नहीं बल्कि 50-100 गाँव में बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है, और उनका नाम बहुत काफ़ी है किसी भी चीज़ के लिए। और हमारी खेतीबाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमने ऊपर बैंक दे रखा है किराए पे, और हमारे सामने 4-5 कटरे हैं जिसमें लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी। कटरा का मतलब होता है दुकानें, जैसे कि जो शहरों में पता नहीं क्या उसको बोला जाता है, मुझे नहीं पता, जिनमें लोग आके दुकानें खोलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग खेती गृहस्थी वाले हैं तो हमारे पास उतने पैसे नहीं होते कि फटाक से हम कोई काम कर लें, लेकिन इस तरह की बातें करना शोभा आप सबको नहीं देता है, जो लोग भी इस तरह की बातें करते हैं। हालांकि मुझे बहुत सारे लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं और वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए प्लीज़ उन सबका नाम मत लीजिए। रही बात मेरे ससुराल में कौन कौन से लोग हैं, मैं बताऊँगी किसी दिन आप सबको, वीडियो ज़रूर मैं बनाऊँगी। और मैं सो की जगी ना, तो ये देखिए मेरी आंखें थोड़ी सी कम स्वेलिंग दिख रही है, मैं परेशान रहती हूँ, पता नहीं क्यों, सोशल मीडिया पे हम खुशी ढूंढने आते हैं, यहाँ पे तो लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, ऐसे आपको पागल बनाएंगे ना कि समझ नहीं आता है कि हमें करना क्या चाहिए। और आप सब बताइए क्या कर रहे हैं आजकल, क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं। और मैं पता है अगर मैं दोपहर में ये वीडियो बनाई होती ना तो मैं रो दी होती ये सब बताते बताते। मेरे हस्बैंड ने बोला किसी भी बात को स्वीटली एकदम प्यार से डील करना सीखो, इसलिए मैं शांत हुई, मैं थोड़ा सा आराम किया, फिर मैं बैठी आप सबसे बात करने के लिए। जा रही हूँ शाम का टाइम में बनाऊंगी चाय, आइए आप सब भी या फिर बना के लेके आइए। मैं इतने चाय बनाए हैं आज, देखा मेरे हस्बैंड ने कैसे चाय बनाया। क्या होता है ना कि उनको लेट नहीं चाहिए, जब चाहिए चाय तब चाहिए ही चाहिए। आपने थोड़ा सा भी लेट किया तो खुद से बना लेंगे भैया, वो आपके पीछे नहीं पड़ने वाले। मैं वो गेहूं बनाने लगी क्योंकि गेहूं पिसवाने को देना है, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है कि सूरज देवता जी ने नज़र ही नहीं आए, और अगर गेहूं पिसवाया नहीं अभी तो पता चलेगा कि
बस हो गया हमारा काम। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ चाय बना के आप सबसे मिलूंगी नहीं, अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी और मिलूंगी कल के वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बेहद ख्याल रखें।